कैसे हुआ? एक्सीडेंट, फोर व्हीलर ने उड़ा दिया। नहीं आप वो नॉनसेंस आतंकवादी वाली बात करती, ना ही प्रशांत के साथ ये सब होता। ये शीला, शीला ने पूरे सोसाइटी में फैलाई ये बात। वो आतंकवादी वाली न्यूज ना बहुत पुरानी है। सुनो, ये प्रशांत भैया है और ये एक भारत के नागरिक है, समझे? आपने क्या सोचा? किस बारे में? संडे की छुट्टी? चलेगा दीदी, चलेगा, कोई बात नहीं। शीला दीदी, ये ले, ये दीदी के घर की चाबी है। नहीं शीला, मत जाओ। यार शीला दीदी होती तो जल्दी हो जाता काम। आज संडे है, मुझे नहीं लगता वो आएगी। शायद अब वो कभी नहीं आएगी। सब बिखरा बिखरा है, मन टूटा टूटा है, आज जिंदगी का रंग फीका फीका है, हर अपना छूटा है, हर दिल क्यों रूठा है, इस पल पल भर में सब कुछ लूटा है। अब हर पहर क्यों थम गई है हर नजर, हमने ही हाँ डाया है जी। वो कांचन बहुत रो रही थी, उसकी लड़की ने शादी की ना। मम्मी यार बोर मत करो, अब मुझे क्यों बता रहे हो सब? अरे तो फिर किसे बताओ? शीला, शीला वो जाने क्या पाने को, मन का चैन छीन रे, जब छूट गया सब तो लागे सुन रे, सुना सुन रे, सुना सुन रे, लागे सुन रे।
साले धक्का किसने मारा? मैंने धक्का मारा नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ। मैंने धक्का नहीं मारा। अरे मैंने धक्का नहीं मारा। अरे चुप, ये तेरा राइट लेग था, इसने धक्का मारा। अरे मुझे क्यों डाल रहा है? इसने मारा मुझे। तू राइट लेग चुप, मेरे को धक्का मारा ना, मुझे पता है धक्का मारा ना, मेरी बिल्ली लगा के मेरे बिल्ली लगा के मेरे बिल्ली लगा के लड़ो मत। अब आगे क्या करना है ये सोचो। अगर मुंह खोला तो देख से हाँ हाँ पापा देता हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मम्मी जल्दी करो, ये लो पापा से बात करो। हाँ बोलो। Happy birthday to you, happy birthday to you. Thank you, thank you, thank you so much. अरे वकील साहब सही से लगाइए, ठीक है? ओ भैया, अरे यार वो बलून ऊपर करिए, आप भी हार्ट शेप करिए ना यार, सारी बातें बतानी पड़ती है आपको। अच्छा भैया आज ये लाइटिंग थोड़ी सी और लग रही है हमें, एक काम करिए उसको सही से करिए। तो सुनो एक बात, यहाँ से लेना है उस कॉलम तक, फिर वहाँ से पूरे हॉल को कवर करना है, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ये देखिए बलून का डेकोरेशन कैसे अच्छा है ना। हाँ सब तैयारी हो चुकी है। ओ घनश्याम भैया, अरे घनश्याम भैया वो नीचे हो गई, निकालो उसको, खींचो। मैं कैसी दिख रही हूँ? अजी क्या आप भी? नहीं नहीं सब लोग यहाँ पर, आप बिना कहीं भी शुरू हो जाते। अरे भाई खींचो यार, खींचो उसको। मुझे पता है मैं सुंदर दिख रही हूँ, पर आप ऐसे कौन बर्थडे विश करता है? अजी हाँ पर अरे अरे बच्चा, अरे क्या हो गया? बच्चा बच्चा अरे स्विच का है, स्विच यहाँ पे आपकी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है। हाँ 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 सुनाई दे रही है आवाज। नहीं नहीं मैंने कहा वो, अरे घनश्याम जल्दी लाइटिंग लगा, कितना टाइम पास कर रहा है देखिए ना। अजी वो शीला भी काम पे नहीं आ रही है, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। वो सुबह से मैं साइली 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 आप ना साइली के पास रुकी, तब तक मैं दूसरा गिफ्ट खोल के आती हूँ। अरे बातें करो, आरी वारी। नमस्ते सैंडी के पापा। प्रशांत क्या कह रहा है देखिए, प्रशांत बात करो, नमस्ते करो अंकल को। हेलो हाँ हाँ कैसे हो आप? ठीक ठीक, मैं तो देखो ऐसा हूँ। दुबई में कहाँ रहते हो? सैंडी के पापा आपसे बात करना चाहते हैं। सैंडी के पापा? हाँ हाँ लीजिए। हेलो, अरे जय हिंद यार, सब कुछ तो है इसमें। देखो ये साहिल ने जो लिस्ट भेजी थी ना, वही सब लेके आया हूं मैं, इतनी तो अकल है मुझ में। 12 सैंडी की मम्मी 12 साल की है, 12 लेके आया तू? अरे अनपढ़ो, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है ऐसे। ओ 21 सैंडी की मम्मी 21 साल की है, मुझे क्या पता यार, इसने जो लिस्ट भेजी वही लेके आया हूँ मैं। तो इसको 21 बोला था? मुझे क्या पता कितने साल की है, एक तो वो एज बता दी कहाँ है। पूछा था तूने? हाँ पूछा था, बोली सुंदर लड़कियों को उनका एज नहीं पूछते। अरे एक मिनट एक मिनट, अब कैसे लग रहा है? 51 जी हाँ, मेरा डांस भी है ना केक मटर के बाद। रुद्र बाजू हट, अरे बाजू हट।
रुद्र ये ले, सैंडी के पापा को केक दिखा। केक सैंडी के पापा को केक देखना है। केक तो आया नहीं सैंडी की मम्मी। केक अभी तक आया ही नहीं है। प्रतीक प्रतीक जा रहा है लेने। प्रतीक जा, जल्दी से जाकर केक और कैंडल्स लेके आ। जा 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 जा। अरे सैंडी के पापा को भी लेके गया साथ में। केक तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? क्या है इसमें? इसमें तो गिफ्ट है। गिफ्ट है। मुझे अभी खोलना है। अभी नहीं, बाद में। इसमें बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज है ना? बड़ा सरप्राइज है, मुझे अब भी देखना है। वो देखो बंटी आपके गिफ्ट खोल रहा है। बंटी, बंटी की मम्मी कितनी बार समझाया उसे। बजिया दादाजी के 50वें एनिवर्सरी पे कितना अच्छा मैनेजमेंट हुआ था हमसे। उस टाइम पे शीला दीदी थी ना। फिर से वाह करिए। अरे घनश्याम भैया सारे लोग आ चुके, आपकी लाइटिंग को हो क्या गया है? अरे ये जल क्यों नहीं रही है? अरे भैया जी 2 घंटे से लाइटिंग लगा रहे, ऐसे लगाइए वैसे लगाइए, इसके चक्कर में शरीर से एक बार करंट पास करवा चुके। अरे नहीं घनश्याम भैया ये बहुत डर लग रहा है ये। अरे तो क्या करे, हैप्पी डेंट खा के ऐसे ई बत्ती सी दिखा के खड़े हो जाए खुद ही। एक तो गांव जाना है कुछ दिन के लिए, छुट्टी नहीं देंगे और कुछ बोले दुकान से निकाल देंगे। ये घनश्याम जल्दी काम करना। आज मेरा मन ही नहीं लग रहा है। क्यों? सुबह से मेरे दोनों बेटों की इतनी याद आ रही है मुझे, घर एकदम सुना सुना लग रहा है। इन्होंने आज सुबह से ठीक तरह से खाया भी नहीं है। देखो मेरा तो पूरा संडे काम में चला गया। एक तो काम की आदत नहीं रही, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन प्रशांत ढूंढ रहा है नई काम वाली बाई को। हाँ अच्छी काम वाली बाई कहाँ मिलती है? आज ही मैंने अपने बहन को भी फ़ोन किया था कि कोई अच्छी काम वाली बाई है तो बताना, पर वो खुद ही कह रही थी कि उसकी काम वाली बाई काम चोर है। लो मुझे लगता है कि हम लोग इन्हें इतना ग्रांटेड लेते हैं ना, इसलिए अपना फ्रस्ट्रेशन काम पर निकालते होंगे। वेरी ट्रू। अरे भैया नहीं हो रहा है, एक आदमी कितना काम करेगा। दीदी बहुत लाए हैं, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ये चेयरमैन कहाँ है? आज भी लेट आएगा क्या? नहीं दादाजी वो तो श्रीलंका गए हैं। श्रीलंका? वहाँ क्या प्रधानमंत्री बनने गए हैं वो? शीला दीदी आप तो नहीं आने वाली थी ना? ऐसे कैसे चलेगा दीदी? एक मिनट। हैप्पी बर्थडे सैंडी की मम्मी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। बैठ जाइए, मुझे कुछ कहना है, बैठ जाइए। आप लोग भी प्लीज बैठ जाइए। रुको रुको। केक कट करने से पहले मुझे एक जरूरी बात बोलनी है जो शायद सभी बोलना चाहते लेकिन कोई बोल नहीं रहा। छोटी बच्ची
शीला दीदी हमारे ऑफिस में ना बहुत काम होता है, टेंशन भी बहुत होता है, तो हमारी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए, मतलब हम लोग आराम कर सके, अपने फैमिली को टाइम दे सके, इसलिए वीकेंड ऑफ देती है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, ताकि मंडे को हम फिर से उसी एनर्जी के साथ काम करें। फिर भी हम लोग नहीं करते, हमारे ही तरह आपको भी अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ संडे को छुट्टी नहीं मिलने वाली, ना ही घनश्याम को 15 दिन गांव जाने के लिए छुट्टी मिलने वाली है, और ना ही उस दूध वाले को थोड़ा लेट दूध डालने की परमिशन मिलने वाली है। पर जब मैं हॉस्पिटल में था तब मैंने इस सब के बारे में बहुत सोचा, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग आपको बहुत ज्यादा ग्रांटेड लेते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। सो मैंने ऐसा डिसाइड किया है साइली कि शीला दीदी हमारे घर मंथली अपने हक की 4 छुट्टियां ले सकती है। और उसके लिए आपको कोई भी झूठा बहाना बनाने की जरूरत नहीं है शीला दीदी, बस ट्राई करिए कि संडे को मत लेना, हमें आराम करना होता है ना। इट्स वेरी गुड डिसीजन प्रशांत। शीला तुम हमारे घर अपने हक की 4 छुट्टियां ले सकती हो। अरे हाँ हाँ, हमारे घर भी शीला दीदी। हाँ हाँ दीदी, ले सकती हो। हमारे घर में तो तुम 6 दिन ले सकती हो, वैसे भी साइडी की मम्मी को कुछ काम नहीं होता, दिन भर बैठकर बस मैसेज फॉरवर्ड करती रहती है। अरे आप कोई केक तो कट को दो जल्दी। अरे हाँ यार, चलो 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 केक कट करते, आ जाओ आ जाओ सैंडी की मम्मी, चलो आ जाओ। आपके चेयरमैन बनने की तो स्ट्रैटेजिक नहीं थी ना? थैंक यू सो मच गाइस हमारे वेब सीरीज को इतना प्यार देने के लिए। तो इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। गाइस सेकंड एपिसोड के एंड में हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आएंगे, तो वो सरप्राइज ये है कि हम आपकी सिटी में आके आपके साथ मीटअप करने वाले हैं। हम सब आ रहे हैं आपसे मिलने, तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको एक फॉर्म फिल करना है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दी हुई है। और गाइस सीरीज बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आपके लिए हमारे पास एक टारगेट है जो कि है आपको जल्दी से जल्दी टेकअप रे चैनल के 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने। जैसे ही 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट होगा हम आपके लिए सीरीज का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेके आएंगे। ओहो, तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए और 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दीजिए।